मैंने इब्तिदा में अर्ज किया था कि ये शिर्क जो है हर दौर में नए भेष में आता है, नई शक्ल में आता है। असल जुर्म जो है हमेशा से, असल गुनाह वो तो है, उसकी जड़ बुनियाद शिर्क है, लेकिन शिर्क ने हर दौर में शक्लें बदली हैं, सूरतें तब्दील की हैं, और इसकी सलाहियत होनी चाहिए कि आप अपने दौर के शिर्क को पहचान सकें। वरना यह हो सकता है कि आप पिछले दौर के, हमारे उलमा ने अपने अपने जमाने में शिर्क की हकीकतों को बयान कर दिया खोलकर, अब हम उन तमाम चीजों से तो बच गए हैं कि जो चीजें हमारे असलाफ ने बयान कर दी कि ये भी शिर्क है, ये भी शिर्क है, ये भी शिर्क है, लेकिन जो हमारे दौर में नया शिर्क ईजाद हो गया है उसका हमें होश ही नहीं, उसकी हमें खबर ही नहीं। तो इस दौर में मादा परस्ती, मैटर, मैटर को खुदा बना लिया गया है, प्रॉपर्टीज ऑफ द मैटर आर परमानेंट, इम्यूटेबल, और मैटर इज इनडिस्ट्रक्टिबल, ये अल हय, इसकी हयात गोया के दायमी है, दवामी है, हमेशा हमेशा रहने वाली है। वो सारी सिफात जो है बारी तआला की, वो हमने दर हकीकत मैटर को वदियत कर दी है।